मैंने जैसे कभी ना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके जैसे व्यक्ति के सामने समक्ष बैठूंगा और आप इतने अच्छे तरीके से मेरे को मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मतलब मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड्स डिस्क्राइब क्या अद्भुत कहानियाँ हैं मैंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ में हैं अभी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स से आपको बताया ही नहीं वो और भी क्रेजी हैं वो और भी क्रेजी हैं तो उस पर भी जाएंगे हाँ लेकिन जैसे आपने और की बात करी थी आपने स्टार्टिंग में बोला था बच्चे का और ना बड़ा कमज़ोर था इसलिए उस पर हो गया ये बहुत एक न्यू स्पिरिचुअल मूवमेंट्स के अंदर एक चीज़ होती है कि इसका और बड़ा स्ट्रांग है आजकल हम मीनस में बोलते हैं और टेन थाउजेंड प्लस थाउजेंड कर देते हैं हम लोग जिन लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हिसाब से अगर और है तो वो क्या होता है अगर कम या ज़्यादा और वाले लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ और आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि अभी काफ़ी कम टाइम में मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है भाई जब मैं ना शूट करके आता था मैं बहुत नेगेटिव फील करता था जैसे आप इमेजिन कीजिए आपकी इतनी बड़ी कोठी है और आप यहाँ पर कुछ पैरानोमल शूट कर रहे हो हालांकि आपकी थीम बहुत अच्छी है लाइटनिंग वाली है मेरी है पूरी डार्क पूरा रेड रूम ब्लैक एको होने वाली आवाज़ नहीं है कुछ भी बहुत अकेला फील होता है ठीक है उस टाइम पे क्या होता है ना मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब मैं बाहर निकलता था और जब मैं अपने घर पर आता था और जब अपने रूम में लेटता था और जब लाइट्स ऑफ होती थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था यार कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है मतलब जैसे अभी मैं किसी जिन की बात करके आया हूँ एक घंटा किसी प्रेत की बात करके आया आयूँ कुछ एक ऐसा मैंने रिकॉर्डिंग करी है जहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव है चीजें फिर आप जब अपने घर में आते हो ना फिर आपको ऐसा फील होता है जब आप डार्क रूम में लेटते हो कि यार कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है मैंने पता क्या करा जहाँ पर मैं हॉलीवुड मूवीज देखता था ना हॉरर मैंने क्या करा एक दिन महाभारत रामायण मैंने ये देख लिया मेरे सामने कुछ क्वेश्चन उठ गया था अश्वथामा के बारे में जो अश्वथामा महादेव के अफ, मतलब एक अवतार ही थे जो कल की आई मूवी उसके बारे में मैंने मैं देखना शुरू करा था उसमें वेद व्यास आ गए और रामायण के बहुत सारे कैरेक्टर आ गए महाभारत की चीजें आ गई भाई मैं इतना पॉजिटिव हो गया मैं इतना पॉजिटिव हो गया मैं, हो गया, मैं एक घंटे तक ना आग खोल कर लेटा रहा और उस टाइम पर मेरे अंदर एक परसेंट डर नहीं था दैट मीन्स कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना और भगवान में ध्यान लगा रहे हो आप ऐसी लोकेशन पर घूम के आ जाओगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसे कहते हैं और कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया ना अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे गुरु हैं जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं बागेश्वर धाम है में, जो खुले में बोलते हैं कौन है क्या एंटिटी है इन सब चीजों से कुछ नहीं होता तुम अपना भगवान में ध्यान लगाओ उसके बाद जो हमारे वृंदावन में बैठते हैं महाराज जी का नाम प्रेमानंद प्रेमानंद अनुरु तो नहीं है वैसे तो गौर गोपाल दास भी है ठीक है जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी बातें बहुत बहुत लगने वाली होती है क्योंकि वहाँ पर लोग आते हैं और प्रेमानंद महाराज जी भी जो येलो कलर के रखते हैं यस यस तो उनकी बातें इतनी मतलब सुप्रीम होती है क्योंकि लोग आके अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा ध्यान ऐसे नहीं लगता वैसे नहीं लगता तो मैंने एक दिन वो सुन लिया मैं बता रहा हूँ कि इतना इंस्टेंटली चेंज आया ना इतना इंस्टेंटली चेंज आया कि मैं कह रहा हूँ कि इंसान ना कब्रिस्तान में घूम के आ रहा है इतना और उसका परफेक्ट और इतना स्ट्रांग हो जाता है मैं देता आपको आप जो इन एंटिटीज को मानते ही नहीं हो या कुछ नहीं होता एक इसको भानगढ़ में छोड़ देते हैं एक आपको भानगढ़ में छोड़ देते हैं भाई जिस कदम जिस दिन ये भानगढ़ में कदम रखेगा ना ये अगले एक घंटे में मर जाएगा मरी जाएगा मर जाएगा रात को अगर इसे छोड़ दूंगा बारह से दो के बीच में और जबकि आपको छोड़ दूंगा ना आप पता क्या करोगे कि यार मुझे तो टास्क मिल गया मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा हाँ ठीक है अगर आप भगवान में ध्यान लगा रहे हो ना आपके लिए एंटिटीज बहुत वीक हो जाती है जैसे आप हो आपको तो आपको तो यकीन ही नहीं है ना नहीं पर मैं इस बात पर बोलना चाहता हूँ मैं भगवान का भक्त हूँ मैं मतलब मैं ऐसा बहुत ज्यादा प्रे तो नहीं करता लेकिन मैं मानता हूँ तो उससे शायद अब अगर मैं इस बात को करूं तो रहता है मेरे ख्याल से बिल्कुल और स्ट्रॉन्ग रहता है अगर एक इंसान जो बिल्कुल नेगेटिव के बारे में जानता ही नहीं है आप जानते ही नहीं हो आपने कभी ना भूत प्रेत भूत प्रेत जिन पिसाज कुछ सुना ही नहीं नहीं सुना तो है लेकिन मैंने कभी उसको आगे गया नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है आपने भूत प्रेत जिन इन पिसाच वगैरह के बारे में कभी नहीं सुना और दूसरा बंदा है भाई साहब वो तो पूरे दिन हद मचा रखे उसने कि भाई सुबह फिर कोई देख रहा है दोपहर में आहट देख रहा है रात को फियर फाइल्स देख रहा है उसके बाद हमारी वीडियोस देख रहा है तो हो क्या रहा है उसके साथ एक होता है कि आप ना अवेयरनेस ले रहे हो कि भाई ऐसा है कुछ टोट का रखा है तो हाथ नहीं लगाना और दूसरा बंदा उस दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट ले ले आप एक बात बताओ कोई एपिसोड भी आता था चलो मैं मानता हूँ हमारी हफ्ते में तीन आती है हाँ? आपने देख लिया आपने देख लिया ठीक है अक्षय भाई ने कुछ बता दिया अवेयरनेस ले खत्म आप उसे जहन में बसा लो आप दिन रात सुन रहे हो आप एक साथ दस दस एपिसोड सुन रहे हो भाई आप उन उनपे इतना बिलीव करने लग गए आप उतन उन उनपे इतना बिलीव लग, करने लग गए कि अब आप आपकी अगर शर्ट किसी नौ उसमें फट किसी रेलिंग में भी फंस गई आप हार्ट अटैक से ही चल बस <laughs> <laughs> आप हार्ट अटैक सही चल <laughs> और दूसरी तरफ भाई भगवान पे भरोसा है मैं बता रहा हूँ हमारे साथ ये मस्ती होती रहती है जैसे मैं हॉरर वगैरह चीजें करता रहता हूँ कोई दोस्त ने देखा कि भाई यहाँ पे अंधेरे में तो मेरे पीछे आगे नॉक कर देंगे अब मुझे पता है कि कोई एंटिटी होगी ना इतना मजाक नहीं करेगी वो ले ही जाएगी सीधा हाँ। दोस्त ऐसे कर देते हैं वही मैं दोस्तों के साथ कर दू ना उनकी फट जाती बुरी तरीके से कि कोई खड़ा नीचे से पैर पकड़ लिया एकदम से तो हो गया काम तमाम हॉन्टेड हाउस में जबरदस्ती लेके जाता था मैं दोस्तों को डराने के लिए मजे लेंगे इससे <laughs> भाई कोई आदमी इतना कंटेंट कंज्यूम करेगा कि वो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा यार आप एक बात बताओ वाली बात रियल है ना जो बहुत हॉरर कंज्यूम करते हैं आप एक बात बताओ आपने मूवी नहीं नहीं, 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 तो आप एक मतलब सुना है उस में, कि जब हाँ. वो थिएटर पर लगी थी तो बहुत सारे लोगों को बेहोश हो गए थे बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग आ गई थी और कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ गए थे वो अपने टाइम की इतनी हॉरर थी जैसे आपने भी जब बचपन में देखी होगी बुलंद दरवाजा पुरानी हवेली तो तो आपको भी लगता होगा अब नहीं, नहीं देखी तो बात अलग है लेकिन आपने बताया अंधेरे से डर लगता है भाई अंधेरे से हर किसी को लगता है और लगता रहेगा ये ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर में है कि उसे अंधेरे से डर लगना ही लगना है करेक्ट करेक्ट